And you soon, it won't be long. Keep on, keep on. नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरे चैनल के रिगार्डिंग जल्दी मिल जाए तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी उसके बाद क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि यार कैरी मिनाती आया था हमारे क्लैन में और आप जानना नहीं चाहेंगे उसने क्या बातें करी थी। तो ज़रूर देखेंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या बातें करी थी। और सेकंड चीज़, हम यहाँ पे आज ये देखेंगे कि हम जो रेड्स मारते हैं उसमें हम जो सुपर बारबेरियंस का यूज़ है कैसे कर सकते हैं, जो हमारा सुपर ट्रूप है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कि कैरी मिनाती ने हमारे क्लैन में आके हमसे क्या बातें करी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है चैट की, हालांकि ये परसों की है इसलिए मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई पूछता है कि अरे भाई डोनेशन दोगे, वो आर में अटैक करना है बताओ। भाई तुरंत ही आया था भाई के एक्सेप्ट करिए हमने रिक्वेस्ट क्लैन में, और तुरंत ही भाई को चाहिए थे ट्रूप्स। तो हमने भी पूछ दिया भाई क्या चाहिए, तो भाई कहता भाई ऐसे सिलेक्ट्रो दे दो और रेज दे दो और लून्स भी। तो हमने भी कहा कि भाई ऐसा है, रिक्वेस्ट तो डाल दो, जिस पे होगा वो दे देगा। आप देख सकते हैं चैट्स को रीड कर सकते हैं आप जो हैं वीडियो को पॉज करके, मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे शो कर देता हूँ, पर टाइम वेस्ट ना करूँ। आगे आप देख सकते हैं कि सब बातें कर रहे थे, कि उनसे पूछ रहे थे कि यार आपकी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, किसके रिगार्डिंग होगी, मतलब जो भी है। तो भाई ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर हमारे क्लैन मेंबर्स ने भी भाई को छोड़ा नहीं। भाई को ट्रूप्स मिलते भाई ने कहा बाय एवरीवन, निकलो अब मैं चलता हूँ, ट्रूप्स तो मिल गए मुझे। तो भाई क्या एटीट्यूड था यार बंदे में, मतलब पढ़ सकते हैं चैट को। और यहाँ दोस्तों, ये जो आखिरी चैट का स्क्रीनशॉट है यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि भाई क्या कह रहा है। भाई कह रहा है कि किसी को कहना मत मैं आया था, समझ रहे हो। तो अपना व्हाइट बेल्ट भी पूछता है क्यों भाई। कहता कि भाई बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भर जाती है, तो भाई एक्सेप्ट कर ले क्या जा रहा है या मत कर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो इतना ही था भाई। उसके बाद हमने बहुत मजे लिए क्लैन चैट्स में भाई जब लीड कर गया। तो खैर, यहाँ तो इसका यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हम सुपर बारबेरियंस का जो है लूट्स में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अभी रेड मार के दिखाऊंगा और आप फुल देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये सेकंड बेस्ट रेड आर्मी है। ऐसा क्यों लिखा है, फर्स्ट क्यों नहीं है। फर्स्ट जो है हमारी सुपर गॉब्लिंस है, वो हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में, वो तो यार ज़बरदस्ती देखी हूँ, है ना। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला रेड अपना सर्च जो है मिल चुका है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टोरेजेस भी भरे हुए हैं और कलेक्टर्स भी भरे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं तो पहले कलेक्टर पे, ना सेम वही सीन है यार, मतलब एक बारबेरियन छोड़ देना एक कलेक्टर पे, जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि इनकी जो हेल्थ है ना आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ वैसा ही है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब रेज्ड बारबेरियन जो हमारा वर्सेस बैटल्स में होता है बिल्डर बेस में। तो यहाँ मेरे कलेक्टर से तो मैंने लूट लिया, और मैंने वॉल रखकर से वॉल तोड़ने की कोशिश करी कि मैं यार कम से कम कुछ अंदर जाके ना तोड़ लूँ, बस इसलिए मैंने वॉल रखकर यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने हील स्पेल भी डाल रखे हैं। ओहो, सीसी आ गया भाई, क्या करूँ, फ्रीज डालो भाई। ओ भाई यार ये गड़बड़ होगी यार यहाँ पे, मतलब मैं शायद कुछ खास ना लूट पाऊँ, बट ठीक है रियल भी डालो, अब क्वीन कुछ हद तक संभाल देगी। यहाँ पे आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने जंप स्पेल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार फायदा नहीं है। यहाँ पे आपके बारबेरियन को हील करना ज़रूरी है, वरना आप उड़ा नहीं सकते चीज़ें।
जम से आप पहुंच तो जाओगे बट कुछ कर नहीं पाओगे, तब तक आपके बारबेरियंस जो है मर चुके होंगे, आपको सारे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। उसको ये एंड करते हैं। तो ये थी दोस्तों 14 लाख में से सिर्फ 10 लाख ही लूट पाया और मेरे को बोनस भी मिल गया। वाह भैया, दोस्तों नेक्स्ट सर्च मिला है मुझे। यहाँ तो यार मतलब बाहर ही भरा हुआ है, बस कुछ करने ही नहीं है। पिछले में तो मैंने क्या करा था कि बेस भी उड़ा दिया, मुझे लूट बोनस भी मिल गई थी जो वॉर की होती है, जितना परसेंटेज आपने बेस उड़ाया होता आपको बस एक स्टार चाहिए होता है लूट बोनस के लिए मिनिमम, बाकी परसेंटेज के बेसिस पर आपको लूट बोनस मिल जाती है। जिस लीग में आप होते हैं तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर तो कुछ खास है नहीं। यहाँ पर जो मेरे को कलेक्टर दिख रहा है गोल्ड का, उसको तो मैं लास्ट वीक में छोड़ूंगा, पहले यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे यार इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, प्लस ये जो है स्टार्टिंग कुछ सेकंड्स के लिए रेज्ड होते हैं, तो आपके इतने पावरफुल बन जाते हैं ना ये ट्रूप्स। मतलब अगर डेड बेस है जहाँ पे ईगल इन्फर्नो नहीं है तो आप हील्स पर ले जाकर पूरा बेस उड़ा सकते हैं, आप अपना लूट बोनस भी ले सकते हैं, ट्रॉफीज भी संभाल सकते हैं। नॉर्मल बेस पर भी अगर पूरा एक्टिव बेस हो तो एक स्टार या दो स्टार तो आपका आ ही जाएगा, 50% भी आ जाएगा विद टू स्टार। यहाँ पे यार मेरा जो डार्क है वो तो फुली है, तो मैं डार्क लूंगा ही, क्वीन छोड़ के खत्म करता है। देख सकते हैं भी बढ़िया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आया है मेरा सर्च, यहाँ यार अंदर तक है। अब मैं क्या करूंगा ना, वॉल रेकर छोड़ूंगा उसके पीछे पीछे सारे सुपर पॉप्स और विद हील स्पेल्स यूं सारा बेस खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे खत्म करते हैं। एज पर प्लान हमें पूरा बेस उड़ाना पड़ेगा। तो इसमें ये एक फायदा होता है सुपर जो बारबेरियंस है ये रेज्ड होते हैं, इसमें एक फायदा ये है कि यार मतलब अगर आपके अंदर अंदर भी है ना आप पूरा बेस उड़ा सकते हो। गॉब्लिंस में क्या होता है कि यार आप 4 या 5 ही जंप स्पेल रख सकते हो बस, तो एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर स्कैटर्ड हुए ना आपके कलेक्टर्स या स्टोरेजेस तो आप पूरा बेस नहीं लूट पाओगे, थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसमें क्या है आप आराम से मार सकते हो सब, ओके ओके। तो आप देख सकते हैं यार मतलब तो इन पर मुझे सिंगल था तो मैं बच गया, अगर मैं मल्टी होता तो बस खत्म ही सारे। सीसी ट्यूब्स ने मुझे बचा लिया है, एकदम अलग ही चलेगी। चलो सही है यार, वहाँ की डिफेंस डालेगी। अब आप देख पा रहे होंगे यार मतलब कितने पावरफुल हैं सुपर बारबेरियंस भी, और क्यों ये सेकंड बेस्ट है रेड अटैक्स में, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि यार इतना कुछ जो है मतलब खास नहीं है जितना सुपर गॉब्लिंस होते हैं हमारे, वो तो यार मतलब अलग ही किस्म के हैं बिल्कुल। ऊपर से उनकी स्पेसिंग भी कम होती है, हाउसिंग स्पेस जो होती है, तो आप 93 ले जा सकते हैं THL में, और इनकी हाउसिंग स्पेस जो होती है 5 होती है, उनकी 3 होती है पर जो ट्रूप है। तो ये जो है आप 56 ले जा सकते हैं सुपर बारबेरियंस। सरेंडर करते हैं, यहाँ पे मुझे लूट बोनस भी मिल गई है, वाह मज़ा आ गया यार। ये दोस्तों अब नेक्स्ट है और ये मेरा लास्ट होगा आई गेस, इसके बाद मेरे पास ट्रेन नहीं होंगे इसको बारबेरियंस। और ये तो यार मतलब सिंपल सी वही बात हो गई, चेरी ऑन द केक। खाया आपने? खाओ यार, क्या वेट कर रहे हो जाओ सुपर बारबेरियंस बनाओ और खाओ। तो ये तो कुछ भी नहीं है यार मतलब, तो बार बार पड़ा है बस, है कदम ही कर दो इसको। और आप देख पा रहे होंगे कि यार कैसे क्वीन भी इसने खत्म कर दी, बताओ हीरोज को तो ये ऐसे मार देता बिल्कुल। ये देखना अभी यार क्वीन मार देगा, वहां किंग मार देता है, कैसा वहां किंग मार देता, मतलब 2 या 1 छोड़ दो सुपर बारबेरियन भाई, ये तो खत्म ही कर देता है, काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ एक्जे कलेक्टर भी किया, डार्क मुझे चाहिए नहीं था यार, चल कोई नहीं, एक एलेक्जे कलेक्टर कहीं रह गया यार, ऊपर की साइड रह गया, क्वीन छोड़ेंगे आप। ओके बाय बाय, ये बेटा खत्म हुआ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सुपर बारबेरियंस जो है सेकंड बेस्ट लूट आर्मी है, और आपको इनका यूज़ भी जो है आई गेस समझ में आ गया होगा यहाँ पे, जो मैंने कुछ लूट अटैक्स दिखाए हैं उनको देख कर।
और दोस्तों यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, और मैं आगे किसी तरह की अच्छी और वीडियोस लेके आऊँगा और अटैक्स के लेके आऊँगा। तो तब तक आप जाइए सुपर बाप्स को कुक करिए और रेड मारिए, खूब सारी लूट लीजिए। उसके बाद हम तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए यार, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।